The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, salam. Kaise hain dost? Main hoon Dr. Paramjeet. आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते हर इंसान को लग रहा है कि उसे बीमारी हो गई है, उसे इन्फेक्शन हो गया है, कहीं हो तो नहीं गया। तो फ्लू, किसी को सर्दी, किसी को सर में दर्द, किसी को थोड़ा बुखार, हल्का बुखार तो सभी को लग रहा है। तो इस माहौल में इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, इंडिया के हेल्थ गवर्नमेंट ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है कि किस किस का टेस्ट होगा, जी हाँ, वो वर्जन 3 20 तारीख को अपडेट हुआ है मार्च में। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टेस्ट किसका होगा और कैसे होगा, कहाँ से होगा ब्लड टेस्ट आपका कोविड 19 के लिए, और कौन करा सकता है, किसको ज़रूरत है। ओके, ये टेस्टिंग प्रोटोकॉल इसलिए बनाया जाता है ताकि नंबर एक, ये बीमारी फैल ना पाए, नंबर दो, सही रिलायबल डायग्नोसिस बन पाए उन लोगों के लिए जो क्राइटेरिया में आते हैं, जिनका टेस्ट होना बनता है। तो टेस्ट की स्ट्रैटेजी क्या है, किसका टेस्ट होगा, पहले तो उन सब लोगों का टेस्ट, उन सब लोग क्राइटेरिया में आते हैं, पहली बात, जो कि सिम्टोमैटिक नहीं है, ऑल एसिम्प्टोमैटिक इंडिविजुअल हु हैव अंडरटेकन इंटरनेशनल ट्रैवल इन द लास्ट 14 डेज। तो 14 दिन के आप, पिछले 14 दिन के अंदर अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करके आए हो, तो इवन इफ आप एसिम्प्टोमैटिक हो, आपको घर में क्वारंटाइन में, होम क्वारंटाइन में रहना है 14 दिन मिनिमम, 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना है। और अगर आप सिम्टोमैटिक हो जाते हो, राइट, जैसे ही आप सिम्टोमैटिक हो जाते हो, फीवर है, कफ है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग है, आपका टेस्ट होगा, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करके आए हो तो। आप एक बार सिम्टोमैटिक हो जाते हो तो आपका टेस्ट होगा, और फिर आपके फैमिली मेंबर्स, आपके सारे कॉन्टैक्ट का टेस्ट होगा अगर आप पॉजिटिव निकल आते हो। कंफर्म्ड केसेस के कॉन्टैक्ट का टेस्ट होगा, जैसे कनिका कपूर के कॉन्टैक्ट का टेस्ट हो रहा है पकड़ पकड़ के। सो पहले आपको क्वारंटीन में रखा जाएगा, अगर आपको सिम्टम आएंगे तो आपका टेस्ट होगा, आप पॉजिटिव आएंगे तो आपके सारे कॉन्टैक्ट जिनसे आप आने के बाद, बाहर से आने के बाद मिले हो, उनका टेस्ट होगा। ये तो होगी बात जो बाहर से ट्रैवल करके आए। दूसरे लोग, राइट, जितने भी लेबोरेटरी से कंफर्म्ड केसेस हो चुके हैं अब तक इंडिया में कहीं भी, जो कि सिम्टोमैटिक है, जितने भी, देखो, एक होता है कंफर्म केस है, सिम्टोमैटिक है नहीं है, एक होता है जो सिम्टोमैटिक है, उस सिम्टोमैटिक पेशेंट जो कंफर्म केस है वो कहां कहां गया है, उसके सारे कॉन्टैक्ट, उसके सारे फैमिली मेंबर्स, उनका टेस्ट होगा, ठीक है। वो भी तब होगा जैसे ही वो सिम्टम्स में आते हैं, वो फिर क्वारंटीन में रहेंगे। फिर जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, जो काम कर रहे हैं अस्पतालों में, वो हाई रिस्क पे है। तो अगर उनमें से कोई भी सिम्टोमैटिक होता है, तो जिसको भी सिम्टम आएंगे, बुखार, सर्दी, खांसी, सांस में दिक्कत, उनका टेस्ट होगा। जितने भी हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं, जितने भी पेशेंट एडमिटेड हैं, जिनको सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस हो रहा है, यानी कि फीवर भी है, कफ भी है और सांस में दिक्कत भी है, सिवियर केसेस का, उन सबका टेस्ट होगा। और एसिम्टोमैटिक, यानी कि जो कि बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं है लेकिन हाई रिस्क डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के हैं, जो किसी कन्फर्म्ड केस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, एसिम्टोमैटिक डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट ऑफ अ कन्फर्म्ड केस विल बी टेस्टेड, शुड बी टेस्टेड वंस। कब टेस्ट होगा? जब भी कॉन्टैक्ट हुआ था, मान लो आज आप कनिका कपूर से मिले थे, तो आज के आज टेस्ट नहीं होगा आपका, आपका टेस्ट होगा पांच से चौदह दिन लगते हैं वायरस को डिटेक्टेबल होने में, तो इसलिए 5 से 14 दिन के बाद आपका टेस्ट होगा, राइट, और उसमें डायरेक्ट और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट,
उसका क्या मतलब है, डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टैक्ट मतलब दोज हू लिव इन द सेम हाउस, राइट, जो जैसे कोई केस कंफर्म हुआ उसके साथ ही रहते हैं, राइट, या फिर उनके डॉक्टर जिन्होंने उनको चेक किया, कंफर्म किया, राइट, इन लोगों का टेस्ट होगा, बिल्कुल ठीक। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको सिम्टम है तो आपको अपने प्रिकॉशंस तो लेने ही है, जो सब बता रहे हैं आपको पता ही है, राइट, और घर वालों से थोड़ा दूर रह सकते हैं अगर आपको बहुत यकीन है हो रहा है, और डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अगर इन सब क्राइटेरिया में आप नहीं आते, आप लास्ट 14 दिन से बाहर से नहीं आए हो, किसी कंफर्म्ड केस के आसपास नहीं रहते हो, कोई हेल्थ केयर वर्कर नहीं हो, आपको सीरियस रेस्पिरेटरी इलनेस नहीं है, और कंफर्म केस के कॉन्टैक्ट में दूर दूर तक नहीं आए, आपको पता ही नहीं आसपास कोई कंफर्म केस है, तो आपको अपने लोकल हॉस्पिटल के डॉक्टर को दिखाना होगा। फिलहाल इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है और उसमें सभी तरह के अननेसेसरी ओपीडीज बंद करी गई है, लेकिन हर बड़े अस्पतालों में एक ओपीडी कोरोना वायरस के लिए खोली जाती है, जाएगी, और वहां पर आपको सैनिटाइजेशन के बाद देखा जाएगा, प्रॉपर देखा जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा कि आपको सिर्फ डर लग रहा है, सिंपल फ्लू है, या कोई सीरियस सिम्टम है, ठीक है। सो इस इवैल्यूएशन के बाद अगर आप लग रहा है कि आपको एक्चुअली जरूरत है, तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा अंडर प्रिकॉशंस, राइट, कि आप वहां पे जाके वहां से आपने टेस्टिंग करवानी है। कोई भी लैब, कोई भी पेशेंट खुद से डायरेक्टली इसकी जांच नहीं कर सकता, राइट। सो गवर्नमेंट लैबोरेटरी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के थ्रू ही यू कैन डू COVID-19 RT-PCR टेस्टिंग। कंफर्म्ड केसेस और कंफर्म केसेस के सारे कॉन्टैक्ट्स का टेस्ट होता है, और इस बीच आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप बीमारी को ना फैलाएं, घर में रहें, लॉकडाउन है, लॉकडाउन को समझें, क्वारंटाइन को समझें। क्वारंटाइन का मतलब हर इंसान के लिए नहीं है, क्वारंटाइन, सेल्फ क्वारंटाइन किसको करना है, क्वारंटाइन अलग है और घर में रहना अलग है। अभी सब घर में रह सकते हैं, बिना मास्क के रह सकते हैं, घर के अंदर मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद रखिए, हर एक पर्सन जो मास्क पहन रहा है वो एक मास्क की एक लिमिट होती है, उस एक मास्क को आप सिर्फ 8 से 12 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद उसको डिस्पोज करना है, वो डिस्पोजेबल मास्क है, रोज एक ही मास्क नहीं पहनना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप एक नॉन केस के साथ रह रहे हो तब आप क्वारंटाइन होंगे, अगर आप फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए हो, मतलब उसके आसपास आए हो, उसके सिक्रीशन के आसपास आए हो, पक्की बात से बिना किसी प्रोटेक्शन के, तब आप क्वारंटाइन में रहेंगे। और जो क्लोज्ड इन्वायरमेंट, अगर मान लो किसी कमरे में पेशेंट आया था और आप भी उस कमरे में आए हो, तब आप कॉन्टैक्ट क्वारंटाइन में रहेंगे, वरना आप अपने प्रिकॉशन जरूर ले सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, अगर आपको लग रहा है, डर लग रहा है कि मैं किसी को बीमार ना कर दूं, तो बिना किसी COVID-19 के इन्फेक्शन के भी एक सिंपल फ्लू वाले पेशेंट को भी थोड़ा सा एक सिक रूम बना के साइड में रहे, कि फ्लू भी दूसरे को वो दे सकता है, सिंपल वाला वायरस भी दे सकता है, COVID-19 ना भी हो, कोरोना वायरस ना भी हो। तो अपनी केयर करनी है आपको इस तरह से, और अपने लॉकडाउन से डरना नहीं है, लॉकडाउन है बिल्कुल है, लेकिन ज़रूरत का सारा सामान आप ला सकते हैं, ज़रूरत का हर सामान आपको मिलेगा, और बाहर से आने वाली हर चीज़ आपके घर में आने से पहले कोशिश करें कि उसको सैनिटाइज करके लाएं। अब हर चीज़ अलग अलग तरीके से सैनिटाइज हो सकती है। अगर आप कोई चीज़, कोई दूध ला रहे हैं, तो दूध तो पैकेट में आएगा या फिर दूध वाला लाएगा, नॉर्मली अब तो पैकेट में आएगा, तो पैकेट को आप डिटर्जेंट से पानी के साथ धो लें और उसके बाद दूध को गर्म करके फिर इस्तेमाल करें, और पैकेट को आप हाथ में फेंक सकते हैं, और हाथ धोएं हमेशा, याद रखिए, इस्तेमाल करने से पहले, इस्तेमाल करने के, ये पैकेट को टच करने के बाद पहले। अगर कोई पार्सल आ रहा है बाहर से, कोई भी चीज़ आ रही है बाहर से जो आपको लगता है कि क्या पता उसके ऊपर, पार्सल के ऊपर ना हो, तो आप पार्सल को अभी अपने घर में, या तो आप ग्लव पहन के पार्सल के कवर को खोल के पार्सल का कवर आप डिस्कार्ड कर दें, बाहर ही रख दें, क्योंकि अगले 8-12 घंटे में अपने आप वायरस कोई भी सरफेस पे हो, 12 घंटे 14 घंटे में वायरस अपने आप डिनेचर हो जाता है, उसके ऊपर की कवरिंग फट जाएगी, उसको कोई काम का नहीं रहेगा। तो या तो सामान को ही बाहर रहने दो जो बाहर से आया है, या तो फिर आप उसको कवरिंग को ग्लव्स के साथ फिर उतार के अपना वो अंदर की चीज़ बाहर ले आइए, और अंदर की चीज़ को भी अगर हो सके तो डिसइंफेक्ट कर लें।
फिर उसके बाद अगर खुद बाहर जा रहे हो वापस आ रहे हो तो पहली बात भीड़ से बचे, और जितने भी बाहर से अंदर आते हैं हाथ पैर और हो सके तो कपड़े भी बदल लें, ठीक है। तो पहले हाथ पैर धो लें, राइट। मुंह से जो मास्क है वो मास्क निकाल के डिस्पोज कर दें, वो मास्क को घर के अंदर लाना मतलब मास्क में बाहर से इन्फेक्शन लगा होगा ऐसा मान के चलिए, ठीक है। और उसको यहां से नहीं पकड़ना है, यहां से पकड़ेंगे तो हाथ में लग जाएगा। मास्क को कान से या पीछे से निकाल के, पीछे से निकाल के वहीं आपने डिस्पोज ऑफ कर देना है। आइडियली तो उसको भी स्टरलाइज करके डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आप उसको डिस्पोज ऑफ करें। लोग उसी को रीयूज कर रहे हैं बार 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 बार, जो काफी गलत है। टेक्निकली आपको उसको ब्लीच, 5% ब्लीच या फिर 1% सोडियम हाइड्रो हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में डुबा के फिर उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, या फिर जमीन में गाड़ देना चाहिए जब भी ऐसा खतरनाक इन्फेक्शन अगर आपके इलाके में फैल जाता है तो। सो मास्क के गाइडलाइंस आ चुके हैं, मास्क के गाइडलाइंस फिर देखिए, जो आपको नहीं पता वो बताएं। देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन, शेयर करते रहिए, लोगों को बचाइए, लोगों को बताइए। दिस इज डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।